वेलकम विंटर्स। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे व्लॉग का इंतजार कर रहे होंगे। तो भाई आज का व्लॉग है विंटर के ऊपर, सर्दियों के ऊपर। आज का सीन कुछ इस तरीके से है कि अभी हो गई है सुबह, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और सैटरडे है और बच्चे जो है ना वो थोड़ा अभी उठे हैं, उनको नाश्ता वाश्ता करा रही हूँ, खुद भी नाश्ता करूँगी। फिर उसके साथ आज का सीन कुछ इस तरीके से है कि आज शाम को हम लोगों को जाना है एक बारबेक्यू पार्टी में। है मेरी सिस्टर है ना, उनकी फैमिली ने ये अरेंज की है और हमने उसको विंटर थीम पार्टी उसका नाम दिया है उसको, कि भाई यार सर्दी का मौसम है और सर्दी को इंजॉय करना है। सब कुछ अरेंज कर रही हैं मेरी बहन, उनके घर वाले और हम लोग सब मिलके मम्मा के घर पे वहाँ पे इंजॉय करने वाले हैं। मैं भी जाऊँगी शाम में और सब वहाँ पे एक जगह जमा होंगे, हल्ला गुल्ला होगा, खाना पीना सर्दी की रातों में, और मज़ा तो आपको पता है आएगा ही। में जब गर्म गर्म बारबेक्यू खाएंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। फिलहाल धूप है और धूप में खड़े होना ना बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, वरना ये जो सारी जगह आप जो देख रहे हैं ना, ये सामने बिल्डिंग जो है वो आपको देख नहीं रही होती, इतनी यहाँ पे धुन होती है ज़बरदस्त वाली। क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हो? मैं लगा लूँगी ना, तुम लगाओगी? अच्छा कपड़े तो सारे अपने गंदे कर रही हो तुम। आज जो है ना आना नहीं है ना, हमारी मेट को छुट्टियों पे गई हुई है तो उसकी जगह उस पर झाड़ू लगाना शुरू हो गई है। मैं वो किचन अपना साफ कर रही थी, जब मैंने देखा आके तो देखा उस पर मैडम झाड़ू लगा रही है। साथ साथ मैं मीठे की तैयारी कर रही थी, मैंने सोचा कि मैं सूजी बना के ले जाती हूँ, अपनी तरफ से सब कुछ ना कुछ ला रहे थे तो यार मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ये जो है ना मज़ेदार सा हलवा बनाऊँ जो सबको बहुत पसंद आता है। और इसकी रेसिपी मेरे पेज पे है, आप लोग देख सकते हैं, मखंडी हलवा की, कैरेमल हलवा की। फिर उसके बाद बच्चों को तैयार व्यार करूँगी और अपनी तैयारी करेंगे फिर जाएंगे। तो जी हो गए हैं काम वाम से फारिग, बच्चों को नहला दिया था, हलवा भी मैंने रेडी कर लिया, मैंने रेडी करा है, अभी इसको गार्निश करना बाकी है, वो करेंगे और साथ साथ दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। जी खाने वाने से हो गए थे फारिग और बच्चों को तैयार कर दिया था, अब मुझे जाना है अभी ही, तो अभी ही मैं जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े मुझे पहनने हैं या बच्चों को पहनना है वो सब मैंने पैक में करे और अब निकलूंगी मैं, फिर वहां जाके देखते हैं कि वहां का क्या सही है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, चलो भैया आ जाओ। 2000 years later. आ गए थे हम लोग मम्मा के घर, जिस वक्त मैं आई थी उस वक्त तो मैं तैयार नहीं थी, तो फिर यहाँ आके पता चला कि जो मेहमान हैं वो सब जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं आई और जल्दी तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया और घर की भी सारी सेटिंग हो चुकी है। सारा सेटअप छत पे है, छत पे बारबेक्यू होगा, मज़ा आएगा। अब मैं आपको चल के दिखाती हूँ बाकी सारी की तैयारी, ऊपर चल के दिखाती हूँ मैं आपको। ऊपर जो है ना सारा सेटअप जो है कर लिया था, डाइनिंग टेबल ऊपर ही सारी चीज़ों का सामान, जो बाद में चाय वाय बनेगी उस सब चीज़ों का भी सब कुछ करके रख दिया। सिटिंग एरिया है साथ साथ, ये जो ना पर्दे लगा के इसको जो ना कवर कर दिए, क्योंकि जो पीछे घर था ना फिर उधर से दिखता है, सामना होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो वैसे भी यहाँ के घर इतने करीब करीब है ना कि वो देखो सामने वाला दूसरा घर है, लग रहा है कि करीब ही है। शामी शूज़ तो पहनो बेटा, ऐसे नहीं खेलो, जाओ शूज़ पहन के खेलो। यहाँ ऊपर से मैं दिखाती हूँ आपको सारा व्यू, और अब मगरिब हो गई है, मगरिब के बाद का ये है व्यू और ये सामने मस्जिद। चाय का भी सारा इंतज़ाम है, जो हम लोग गुड़ वाली चाय रेडी करेंगे ना उसके लिए गुड़ कॉफ़ी और चीनी पत्ती, ये सारे कप्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और मेन्यू में बारबेक्यू है, उसके साथ है मटर पुलाव, हमने विंटर सूटेड चावल की डिश रखी है मटर पुलाव, उसको इंजॉय करेंगे मिर्चों के सालन के साथ। मेरी बहन की जो सास हैं वो बना के लाएंगी, आज की पार्टी भी जो मैंने आपको बताया उन्हीं की तरफ से ही है। अच्छा क्या यहाँ पे जो है ना जमादी उल अव्वल का चांद दिख चुका है, माशाल्लाह से भी छत पे आए तो यार नज़र पड़ी, मैंने आप सोचा आप लोगों को जूम करके दिखाऊं, और एक चांद ये मेरे भाई हैं माशाल्लाह से। मैं खड़े में और अभी तक कोई आ नहीं रहा है, हम लोग ज़्यादा जल्दी तैयार हो गए, मम्मा है ना पीछे लग गई कि जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से मेहमान आ जाएंगे लेकिन अब इंतज़ार में है ये मेरा भाई जो है ना बड़ा तंग करता है। अरे सुना है शायद आ गए,
वेलकम शफक के किचन में, उस्मा के किचन में आए। सारा जो है ना बारबेक्यू का सामान वो लेकर आ रही है आज की पार्टी, जाहिर सी बात है उनकी तरफ से है। तो ओहो भाई डैग भी आया, और आपको भी बता दूँ इनके जो सुसर है ना और इनकी नन बहुत ज़बरदस्त गाना गाती है। मेरी बहन जो बहनोई है ना वो भी बहुत अच्छा गाना गाती है, वो तो है नहीं अभी दुबई में है। अब जो है ना आज आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी उनका कितना ज़बरदस्त वो गाने गाते हैं। चलो भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई इन्होंने देखे हैं छोले भी बना के लाई हैं, और ये चिकन टिक्के अभी बाकी नीचे भी है वो भी ऊपर आ रहा है। जबरदस्त से छोले, चले अब ये भी ट्राई करके देखेंगे कैसे बने हैं शाम के रिफ्रेशमेंट में। आ जाओ तक हम छोले एंजॉय करते हैं और सब बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो है गपचप सेशन जो है स्टार्ट है। सब लेडीज का सब बैठ के इधर बातें करना शुरू हो गए थे सब। साथ ही साथ यहाँ पे मेरे भाई ने शुरू कर दिया है बारबेक्यू लगाना जबरदस्त। चलो भाई इनको ये काम आता ना तो ये काम यही कर लेंगे। हैं ये लोग अपनी सेल्फी में लगे हुए हैं, यहाँ गपशप हो रही है। चलो बैठो, आ रहे भाई सब लोग आ गए हैं, एंजॉयमेंट हो रही है, तस्वीरें बन रही हैं। 2000 years later जी अब इस मसाले को जो है ना सीखे पिरोते हैं, इसका टाइम आ गया है। ये सब इन्होंने जो है ना बाजार से मसाला लगवा के ले आई थी, ये बाद में आया, और वो चिकन टिक्के हैं उनको भी पिरोएंगे और ये भी। तो चलें जी अब सीखे पिरोते हैं यहाँ पर बैठ के, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है अभी से, अब पकने के बाद पता नहीं कैसे लगेंगे। हाँ वहाँ पे सीखेंगे और यहाँ पे पिरोएंगे। चलो भाई प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मसाला वसाला लगा के हम लोग फारिग हो गए थे, फिर थोड़ी भोजन तो यार सब बातें कर रहे थे बैठ के, अब हम क्या करते। तो हम सब कजन्स मिलके जो है ना वो टिकटॉक्स बनाने में लग गए थे। अब चलते हैं ऊपर, और अब तो म्यूजिक का प्रोग्राम भी शुरू हो गया, चल चल के देखते हैं। चले जी थोड़े से टिक्के भी देख लेते हैं, मज़ेदार लग रहे हैं ना, भूख लग रही है आप लोगों को भी देख कर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर एंजॉय करिएगा। यहाँ ये चिकन टिक्के ग्रिल हो रहे हैं और साथ में इधर मलाई बोटी लग रही है, मज़ेदार सी, फिर इसको एंजॉय करेंगे। तो भाई खाने का टाइम हो गया, जबरदस्त सा खाना रेडी है। सैलेड का है भाई, सैलेड की शक्ल दिखाओ जितना स्पेशल सैलेड तैयार किया था। चलें भाई दिखाएंगे, देखें ये बनाया है सैलेड जबरदस्त। आप लोगों को खाना नहीं मिला? ये मलाई रोटी है और मिर्चों का सालन जबरदस्त चावलों के साथ, मजा आने वाला है आज तो। साथ साथ म्यूजिक भी चल रहा है, फिर अंकल के गाने सुनेंगे और उजाला के भी गाने सुनेंगे, मजा आएगा। हम तो सुनेंगे, अब इसी इंतजार में तो बैठे थे तुम आओगी। मैंने तो कुछ और ही सुना था। मुझे थोड़ा सा पुलाव दे, मैं पुलाव और मिर्चों का सालन पहले टेस्ट करूंगी। पुलाव के साथ मजा आएगा ना, खाने में मजा आएगा। हाँ ना, वाह जबरदस्त। बस बहुत सारा है भाई, टिक्के भी खाने हैं। यहाँ पे ये है और मसाला, ये मिर्चों का सालन मजेदार सा, और ये सैलेड। चले भैया बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। वाह आंटी मजा आ गया, आपने का बना है। टिक्के भी बहुत मजे का है और सालन भी, सबके मंडी मजा आ गया, मजेदार। खीर कोरमा जी मैं दे रही हूँ, और हलवा भी है वहाँ पे जो मैं बना के लाई थी। सुनिए क्या दिया चुनकर। खाना वाना खा के सब फारिग हो गए, मीठा मीठा खा के
ये सारे बैठे हैं। मूंगफलियां भी निकल गई हैं। सर्दी की वाकई इनकम्प्लीट है सर्दी उसके बगैर। लाओ भाई कुछ दे भी देना कचरे के लिए। ये ले भाई मूंगफली। अति साथ यहाँ पे चाय कोई नहीं चाय बेटा ये तेल की बोतल। बच्चे भी खाना वाना खा के जो है ना खेल में मस्त हो। ओ भाई कहाँ जा रहे हो आगे? इधर आगे खेलो, अपने घर के पास खेलो आगे। A few moments later. हाँ चाय आ रही ना, चाय के बाद दे दिएगा। उन लोगों को दे देते हैं। लो शेरी ले, हम पान नहीं खाते, हम बदमाश बच्चे। कुर्सी पे इसमें बज गई। आ जाए भाई चाय ले आए। चले जी पान खाएं। मेरे पास है ना, मैं ये वाला खा लूंगी। चाय एंजॉय करेंगे चाय। आई इतना बड़ा कप चाय है, इतने बड़े मग। क्या तुम हटो से बात शुरू हो जाती हो मेरे पास। अच्छी लग रही है ना तुम। सर्दी का मौसम, गरम चाय और प्यारा गाना। वाह वाह जबरदस्त। A few moments later. से फारिग हो गए, खाना वाना खा लिया, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अब टाइम हो गया है घर जाने का, घर चलते हैं और मेहमान भी जा रहे हैं सब, तो उनको चल के सी ऑफ करते हैं और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा आज का ये ब्लॉग, ये विंटर थीम ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आ रही है।